हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अजय प्रकाश तिवारी इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी. एंड टुडे आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लांट किंगडम. एंड टुडेज क्लास टॉपिक इज द नेक्स्ट डिविजन, दैट इज टेरिडोफाइटा. बिकॉज इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव कम्प्लीटेड योर डिविजन नंबर 2, दैट वॉज ब्रायोफाइटा. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ pteridophytes. So before starting the pteridophytes, here there are some general terms that you have to know about, that in the category of the general characteristics. Okay, so these pteridophytes are also known as vascular cryptogams, because vascular tissues, those were xylem and phloem, first of all appear in this division. इसी division में xylem और phloem सबसे पहले appear हुए. Okay, and we also observe a very unique phenomena that is known as seed habit in these pteridophytes. And these pteridophytes are also known as botanical snakes, because in certain pteridophytes the shape of these are just like snake. Is wajah se isko hum botanical snake ya plant kingdom ka snake bhi kehte hain. Okay, so there are some general characteristics feature like bryophytes. These pteridophytes will also be present in the moist, सेडी एज वेल एज डैम्प और कूल प्लेसेस. यानी इनके जो पाए जाने की संभावना होती है वो हमेशा डैम्प एरियाज़ में, मॉइस्ट एरियाज़ में, या कूल जो हैं जहाँ पे ठंडा हल्का सा होता है वहाँ पे ये मिलेंगे आपको. इट इज़ ऑल्सो क्लियर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्लांट बॉडी ऑफ दीज pteridophytes आर स्पोरोफाइटिक. यानी अभी तक हम देखते आए थे कि जो प्लांट बॉडी थी वो हैप्लॉयड थी, यानी गैमेटोफाइट थी, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही थी. लेकिन यहाँ किसके केस में, pteridophytes के केस में, द प्लांट बॉडी इज वॉट, स्पोरोफाइटिक. और स्पोरोफाइटिक होने की वजह से कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी. अभी तक हमने देखा था कहाँ, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के केस में द प्लांट बॉडी वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट इंटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. बट हियर प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ. रूट्स, इफ रूट्स आर प्रेजेंट दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. आपने देखा होगा रूट्स की जब सिस्टम आपको पढ़ाए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि बेटा जो रूट का सिस्टम है दो तरह का होता है, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट. तो जो टैप रूट होती है बहुत नीचे तक, गहराई तक जाती है, कहाँ, सॉयल में, इन द सर्च ऑफ फूड एज वेल एज वी कैन से दैट वाटर. बट ये जो हमारे pteridophytes हैं इसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं जो बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉइस्ट एरियाज में मिल रहे होते हैं. एंड समटाइम्स दीज रूट्स मे बी सीन एज अ राइजॉइड और मे टर्न एज अ राइजॉइड. ठीक है ना, इतनी भी बात आप समझ गए होंगे. इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेम जो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम के रूप में हो सकता है, दैट में भी राइजोम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लीव्स में ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रॉन्ड इन सम केसेस. सो आपके लिए इतना ही जरूरी है, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ. दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, यानी वैस्कुलर टिश्यूज जो जाइलम और फ्लोएम थे सबसे पहले यहीं पे अपीयर हुए. दीज आर ऑल्सो नोन एज बॉटेनिकल स्नैक्स. दे आर फाउंड इन मॉइस्ट सेडी एज वेल एज कूल एरियाज. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं बेटा. पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, फाउंड इन कूल मॉइस्ट सेडी प्लेसेस, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फर्स्ट लाइन प्लांट टू डेवलप वैस्कुलर टिश्यू, ये आपके लिए कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है. जाइलम में बेटा जो वेसल्स होती हैं वो नहीं होती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती. ठीक है ना, आपने देखा था कि ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा, और इसके साथ साथ जाइलम फाइबर, ये चार तरह के कंपोनेंट्स मिलते थे जाइलम में. तो उसमें से जाइलम में वेसल्स नहीं मिल रही हैं. इसी तरह से आपने कहाँ देखा था, फ्लोएम में आपने देखा था सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. तो उसमें से चारों में से कौन, एक कंपेनियन सेल नहीं मिल रही है. प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है, मतलब डिप्लॉयड होगी, और इसको डिवाइड किया जा सकता है रूट, स्टेम और लीफ में. अब हम अपने पुराने फॉर्मूले पे चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कैटेगरी नंबर 1, दैट इज हैबिटेट. ऑलरेडी रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट, फाउंड इन कूल मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस. इसमें कुछ भी नया नहीं है. अगला है स्ट्रक्चर, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कैसे होते हैं, स्पोरोफाइटिक
and can be differentiated into and can be differentiated into root, stem and leaf. Root or stem or leaf में इनका division किया जा सकता है. For example, ये यहाँ से roots, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा stem और ये इनकी branches हैं और यहाँ पे क्या लगी होंगी, leaves लगी होती हैं. कुछ इस type के plants आपको majority में देखने को मिल जाते हैं बेटा, ठीक है. मैं एक साइड का बना देता हूँ, एक साइड आप ऐसे ही जान जाइएगा, ऐसे होते हैं. इधर भी तेज़ी से खींच देता हूँ. ओके, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. दिस इज़ व्हाट रूट, दिस इज़ व्हाट स्टेम और ये आपको कैसे दिख रही हैं, एज अ लीफ दिख रही है. तो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है. रूट, स्टेम और लीफ में इनका डिविजन किया जा सकता है और इनकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो लीफ होती हैं, लीफ बेटा जब आगे चल के मैच्योर हो जाती हैं तो जो मैच्योर लीफ होती है, कौन सी लीफ, मैच्योर लीफ, उस मैच्योर लीफ को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल. मैच्योर लीफ इज नोन एज स्पोरोफिल और स्पोरोफिल के पास क्या होता है, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया में क्या डेवलप होता है, स्पोर. आगे चल के मैं जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको बताऊंगा. सो हियर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट एंड मैच्योर लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल कंटेंस स्पोरेंजिया. इन स्पोरेंजिया बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स, यानी जब ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ या क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल होता है तो उसको हम कहते हैं कोन या उसी को कहते हैं स्ट्रोबिलस. यानी अगर ये जो हमारी स्पोरोफिल्स हैं ये किसमें हैं, ग्रुप में हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप, कोन या इसी को कहा जाता है स्ट्रोबिलस, ठीक है. ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तो ये तो कुछ जनरल से पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताया. अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दिया है, वो एक सेलाजलेना का है और दूसरा इक्विसिटम का है. तो हम दोनों डायग्राम को बनाते हैं और बनाने के बाद आपको बताते हैं कि एक्चुअली सेलाजलेना और इक्विसिटम जो दो डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने दिया है उसका कहने का मोटिव क्या है. ओके देन स्टूडेंट्स, तो हम क्विकली सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं किसका, सेलाजिनेला का. बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं बेटा. ओके, यहाँ पे तेजी से बना लेते हैं. अगेन हियर, सेम हियर. ओके, क्विकली यहाँ से बना लिया जाए. यहाँ से कुछ आपको रूट्स दिखेंगी. आगे चल के ये आपको दिखेगा यहाँ पे कोन. क्या दिखेगा, कोन दिखेगा. अभी ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. ये है रूट, ये आपको जो दिख रहा है अंदर वाला, दिस वन इज स्टेम और ये जो बाहर लिखे हैं ये है लीव और ये क्या है, कोन है. अभी कोन क्या होता है अभी मैं आपको और आसानी से बताता हूँ. ये मान के चलते हैं किसी एक लीफ को इधर हम कंसीडर कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए, मान के चलते हैं ये आपकी कोई प्लांट बॉडी थी. इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ. तो ये दीज आर द क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स, दीज आर व्हाट, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स और इन्हीं के ऊपर कौन मिलता है, स्पोरेंजिया. कौन मिलता है बेटा, स्पोरेंजिया मिलता है. ओके, तो ये सभी आपको जो दिख रही हैं इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल. इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको इसको हम कहते हैं बेटा स्पोरेंजिया. क्या बोलेंगे इसको, स्पोरेंजिया. और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसके पास स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोन और या इसी को बोलते हैं स्ट्रोबाइलस. क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस, ठीक. तो यहाँ से अब आप देखिए, जो छोटी छोटी लीव्स लगी थी ये आगे चल के बंच में हो गई, गुच्छे में हो गई. तो जो गुच्छे में लीव्स हो गई वो क्या बनाई, कोन बनाई. तो वहाँ पे हमने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया कि जो मैच्योर लीफ होती हैं, यानी अगर कोई लीफ है, कौन सी, मैच्योर लीफ, तो मैच्योर लीफ को क्या कहा जाएगा, स्पोरोफिल. और जब स्पोरोफिल किस में हो जाएंगी, बंच में हो जाएंगी, गुच्छे में हो जाएंगी, तो क्या बनाएंगी,
कोन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो लीफ थी ये मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद इनको क्या कहा गया, स्पोरोफिल, जो कि यहाँ पे आपको इनलार्ज करके दिखाया गया, ये स्पोरोफिल है। अब जब स्पोरोफिल का ग्रुप हो गया तो क्या बन गया, कोन या स्ट्रोबाइलस। अब किसी एक स्पोरोफिल को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो कैसे दिखेगी हमको, कुछ इस टाइप की दिखेगी, इस टाइप की स्पोरोफिल हमको दिखेगी अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं। और इस पर ये जो हमको डॉटेड लाइन्स दिख रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो ये आपकी स्पोरोफिल है, कैसा, इनलार्ज व्यू, और ये कौन है, स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया में आगे चल के क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये क्या बनाएगी, स्पोर। तो ये तो एक डायग्राम हो गया जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, किसका एग्जाम्पल लेके, सिला जिनेला का। ओके, इन्होंने एक एग्जाम्पल और लिया है दूसरा इक्विसिटम का, ठीक है, किसका एग्जाम्पल लिया है, इक्विसिटम का। तो इक्विसिटम का मैं यहाँ पे क्विकली डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे नोड और इंटर नोड आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्विकली खींच लीजिए, क्विकली बनाते हैं बेटा इक्विसिटम। ओके, यहाँ पे राइजॉइड्स दिखेंगे आपको, आगे चल के फिर सेम ब्रांचिंग आपको दिखेगी, और आगे चल के ये फिर से क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस और वाइलस। ये आपका क्या है, ये लीफ है, और ये कहाँ से अराइज हो रही हैं, नोड वाले पोर्शन से। ये क्या है आपका, इस और इस, मतलब इस नोड और इस नोड के बीच का जो पोर्शन है इसको क्या बोला गया, इंटर नोड बोला गया। ये आपको क्या दिख रहे हैं, राइजॉइड्स दिख रहे हैं। ये जो पोर्शन है इसको दिखाया गया है स्टेम के रूप में, और आगे चल के जो लीफ आप देख सकते हैं नोड से अराइज हो रही है, और बंच में आगे चल के जो बना रहे हैं स्ट्रोबाइलस और कोन बना रही है, जो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कोन, तो आप बताओगे क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पोरोफिल, तो आप कहेंगे मैच्योर लीफ दैट बियर स्पोरेंजिया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो बंच ऑफ स्पोरोफिल है इसी को हम क्या कहते हैं, कोन, और कोन को ही हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रोबाइलस। इसी को क्या बोला जा सकता है, स्ट्रोबाइलस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेरिडोफाइट्स। बट बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन, लेट्स फाइंड आउट अ वेरी यूनिक पॉइंट इन द नोट्स। जो लीफ है बेटा ये दो तरह की हो सकती हैं, एक नॉर्मल लीफ, और नॉर्मल लीफ भी दो तरह की, एक माइक्रोफिल। माइक्रोफिल क्या है बेटा, ना ये छोटी लीव्स होती हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा सिला जिनेला में, कहाँ देखने को मिल सकता है, सिला जिनेला में, जो यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरा आपको मिलेगा माइक्रोफिल। ये माइक्रोफिल में क्या होती है, लीफ बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे ड्रायोप्टेरिस में, किस में देखेंगे, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो लीफ का पहला टाइप हो नॉर्मल लीफ, दूसरा होती है स्पोरोफिल, क्या होती हैं, स्पोरोफिल। अब जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, बियर करती हैं, बियर स्पोरेंजिया। सो अगर हम ओवरऑल देखें, इसको हटाता हूँ पहले मैं यहाँ से, कंक्लूजन जो अभी तक हमने देखा इसका क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन में ये निकला बेटा कि जो स्पोरोफिल है, क्या है, स्पोरोफिल, ये जनरली कैसी, कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड है। ये क्या करता है, इट बियर्स स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में क्या होती है, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल यहाँ आगे चल के क्या करेगी, मियोसिस के बाद क्या बनाएगी, स्पोर। इट विल बी हैप्लॉयड, इट विल बी डिप्लॉयड, इट इज अगेन डिप्लॉयड, and this spore, it will form the gametophyte that is known as prothallus. क्या बनाता है बेटा, prothallus। ये क्या है, gametophyte है, ये generally क्या है, gametophyte है। spore कब, जब moist या हम कह सकते हैं shady condition होगी, उस condition में जो spore है ये आगे चल के क्या कर लेगा बेटा,
प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा, और प्रोथैलस को ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, एनसीईआरटी क्या कहती है, इट इज़ जनरली मल्टी सेलुलर, जनरली क्या होता है ये मल्टी सेलुलर, इट इज़ ऑल्सो ग्रीन, इट इज़ ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, और ये क्या होता है स्मॉल, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको जनरली बोलते हैं इनकंसपिकुअस। ये मतलब क्या हुआ कि छोटा सा है, दिखता नहीं है। तो ये एक जनरल ए सेक्सुअल साइकिल को ये रिप्रेजेंट करता हुआ आपको दिखेगा। अगर हम बात करें फिर से एक बार क्विकली देखें, स्पोरोफिल मैच्योर लीफ थी जिनके ऊपर क्या था स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल उस स्पोरेंजिया के अंदर थी जिसमें मियोसिस हुआ, स्पोर बना, और फिर ये स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जनरली कैसा होता है बेटा, ये हार्ट शेप होता है प्रोथैलस इनका, कैसा होता है जनरली हार्ट शेप होता है कुछ इस टाइप का प्रोथैलस है। चूँकि ये आपके सिलेबस से बाहर है इस वजह से इसका हम डिटेल आउटलाइन नहीं ले रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का प्रोथैलस आपको दिखेगा, यहाँ बीच बीच में आपको राइजॉइड्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोथैलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोथैलस जनरली मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, स्मॉल है, इसी वजह से इसको बोलते हैं इनकंसपिकुअस, मतलब ये बाहर से आप देख नहीं पाओगे। अब इसके बाद हम देखें अगर इसके सेक्सुअल साइकिल की, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल जो इनकी है वो कैसी होती है। तो सेक्सुअल साइकिल आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होगी, गैमेटोफाइट से स्टार्ट होगी, क्योंकि गैमेटोफाइट जनरली क्या बनाता है, गैमेट बनाता है। तो ये गैमेटोफाइट क्या है, इसके पास है एंथ्रेडिया, और इसके पास क्या है, आर्किगोनिया। अब एंथ्रेडिया आपको मालूम है ये क्या है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर है, और इसके पास फीमेल गैमेट होता है। तो एंथ्रेडिया क्या बनाता है बेटा, एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन करता है, और आर्किगोनिया के पास क्या होता है, एग होता है। नाउ दिस एंथेरोजॉइड विल स्विम इन द वाटर, एंड आफ्टर स्विमिंग इन द वाटर इट विल रीचेस टू द एग, एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल टेक इन प्लेस, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एज यू नो देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस एग इज हैप्लॉयड, दिस एंथेरोजॉइड इज ऑल्सो हैप्लॉयड, सो एन प्लस एन इज इक्वल टू 2n, एंड दिस जाइगोट विल फॉर्म स्पोरोफाइट, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। दिस स्पोरोफाइट इज ऑल्सो डिप्लॉयड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वॉट, इनडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड स्पोरोफाइट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इट विल फॉर्म स्पोर, और स्पोर आगे चल के फिर से क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट, यानी यहीं से हम लिख सकते हैं स्पोर विल फॉर्म गैमेटोफाइट, या इसी को आप यहाँ से जो हमने गैमेटोफाइट लिया था ये देख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट सेक्सुअल साइकिल। अब इस पूरे टेरिडोफाइट्स में दो तरह की सेक्सुअल साइकिल मिलती हैं, उनको हम कहते हैं, अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल ये दो तरह के होते हैं। एक इनको हम कहते हैं होमोस्पोरस, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हेटरोस्पोरस। सो इन जनरल जो टेरिडोफाइट्स हैं मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ जैसे क्या है, सिलाजिनेला है, और सिलाजिनेला के साथ साथ मार्सिलिया है, ये दोनों क्या होते हैं, हेटरोस्पोरस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ साइकिल दैट इज होमोस्पोरस टाइप एंड हेटरोस्पोरस टाइप। टेरिडोफाइट्स में दो तरह की लाइफ साइकिल मिलती है, एक होमोस्पोरस, दूसरी हेटरोस्पोरस। तो अगर हम होमोस्पोरस की बात करें तो आगे लगा हुआ है होमो का मतलब सेम, स्पोरस मीन्स दैट स्पोर। तो यहाँ पे सेम टाइप के स्पोर बनते हैं और वो छोटे होते हैं, मतलब ये चार अगर स्पोर बने तो चारों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे और स्मॉल होंगे। हेटरोस्पोरस में क्या होता है बेटा, हेटरोस्पोरस, हेटरो मींस डिफरेंट, स्पोरस मींस दैट स्पोर। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं, एक स्पोर छोटा होता है और दूसरा वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो स्पोर अगर अलग अलग तरह के बन रहे हैं तो वो हेटरोस्पोरस है, स्पोर अगर सेम तरह के बन रहे हैं तो वो होमोस्पोरस है। तो हम इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और आपको एक एक करके लाइफ साइकिल बता देते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट का। ओके देन स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ये दो तरह से होते हैं, एक होते हैं होमोस्पोरस
होमो स्पोरस, जिसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम के साथ साथ मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स ये क्या होते हैं, होमो स्पोरस, मीन्स दैट सेम स्पोर बनते हैं, एक ही तरह के स्पोर, जैसे ये चारों एक जैसे हैं मियोसिस के बाद। दूसरे होते हैं हेटरोस्पोरस। हेटरोस्पोरस, हेटरोस्पोरस में क्या होता है बेटा, एग्जांपल आप ले लीजिए किसका, सिलाजेनेला का। सिलाजेनेला के साथ साथ मार्सिलिया भी है। यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ये बनाते हैं मेल गैमिटोफाइट। क्या बनाते हैं? मेल गैमिटोफाइट। और दूसरे होते हैं कौन से? मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर क्या बनाते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट यानी हेटरोस्पोरस का मतलब क्या हुआ? टू टाइप्स ऑफ स्पोर, टू टाइप्स ऑफ स्पोर। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बनते हुए आपको दिख रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर जो कि छोटा है, दूसरा मेगास्पोर जो कि बड़ा है। माइक्रोस्पोर बना रहा है मेल गैमिटोफाइट को और मेगास्पोर बना रहा होता है फीमेल गैमिटोफाइट को। अगर इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये जो होमोस्पोरस है, मान के चलते हैं ये कोई आपकी एक स्पोरोफिल थी और इसके पास क्या था? स्पोरेंजिया था। इस स्पोरेंजिया में अगर मियोसिस होगी तो जो भी यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे वो सेम तरह के बनेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं इनका डायग्राम इधर। ये अगर आपका कोई मान के चलते हैं स्पोरोफिल था, तो दिस वन इज ऑल्सो स्पोरोफिल एंड दिस वन इज ऑल्सो, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसके पास जो स्पोरेंजिया होगा वो बड़ा होगा, इसके पास जो स्पोरेंजिया होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया। लेकिन मेगा स्पोरेंजिया यहाँ पे हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मेगा स्पोरेंजिया रिप्रेजेंट करती है ओव्यूल को, कहाँ? एंजियोस्पर्म में। तो इस वजह से आप नहीं कह सकते, बट इन जनरल आपको समझाने के लिए हम यूज कर सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया। लेकिन ये मेगा स्पोरेंजिया एंजियोस्पर्म वाली नहीं है। और ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में छोटे छोटे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। कौन बनेगा? माइक्रोस्पोर, जो आगे चल के क्या बनाएंगे? मेल गैमिटोफाइट। और ये मेगा है तो यहाँ पे बड़े बड़े क्या बनेंगे? मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर आगे चल के क्या बना लेंगे? फीमेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एक हम बेब चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कौन सी होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। पहली आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। आपको मालूम है प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है ये कैसा होता है? 2N, यानी ये क्या है? जनरली क्या है? प्लांट बॉडी है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है इसी स्पोरोफाइट के पास क्या था? स्पोरोफिल थी, ठीक है ना, जो मैच्योर लीफ बना रही थी। ये भी कैसी थी? डिप्लॉयड थी। अब स्पोरोफिल क्या करती है? बियर करती है किसको? स्पोरेंजिया को। स्पोरेंजिया की हम इसको भी मान लेते हैं, ये क्या है? डिप्लॉयड। और इसी को हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा? गैमिटोफाइट। और टेरिडोफाइट के केस में जो गैमिटोफाइट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, जो कि क्या होता है? ग्रीन। और क्या होता है? मल्टी सेलुलर। और क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। एज वेल एज ये आसानी से दिखता नहीं, स्मॉल होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिपियस, ठीक है। तो गैमिटोफाइट स्मॉल, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, मल्टी सेलुलर, डेवलप फ्रॉम स्पोर। चूंकि मियोसिस के बाद स्पोर बने थे, इस वजह से हैप्लॉयड है। अब गैमिटोफाइट आपको मालूम है क्या बनाएंगे? गैमिट्स बनाएंगे। गैमिट्स कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉयड होंगे। आपका ये गैमिटोफाइट कैसा है? दिस इज ऑल्सो हैप्लॉयड। अब गैमिट्स का क्या होगा? आपको मालूम है मेल और फीमेल गैमिट्स बनेंगे अलग अलग। अब मेल और फीमेल गैमिट्स करेंगे फ्यूजन, क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो गैमिट्स बनेंगे, इन गैमिट्स में कौन होगा? एक तो मेल गैमिट होगा, कौन होगा? एक मेल गैमिट है, दूसरा कौन सा है? फीमेल गैमिट है। तो मेल गैमिट n, फीमेल गैमिट n, तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n। तो गैमिट जो बन रहे हैं मेल और फीमेल, मेल गैमिट को आप क्या बोलते हो? एंथेरोजॉइड। और फीमेल गैमिट क्या है? एग है। तो इन दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस। और जाइगोट माइटोसिस करने के बाद क्या बना लेगा फिर से? स्पोरोफाइट।
और स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे जाएगा डिप्लॉयड था, माइटोसिस भी है तो उससे बना है, तो इस वजह से ये भी क्या है, स्पोरोफाइट जो आपका डिप्लॉयड है। तो ये है बेटा होमो स्पोरस लाइफ साइकिल, जो कि स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँच गए, स्पोरोफाइट तक। यहीं से हम जो जायगोट था यहाँ से इसको दिखा सकते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद क्या बन जा रहा है, स्पोरोफाइट। तो यहाँ से शुरू किया हमने, वहीं पे पहुँच गए, या डायरेक्टली आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके इधर भी दिखा सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, होमो स्पोरस लाइफ साइकिल की। व्हाट इज़ द एडवांटेज, यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या देखने को मिलेगा, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम नोट लगाएं तो यहाँ पे आपका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट और इसके साथ साथ गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, फ्री लिविंग हैं। फ्री लिविंग होने के साथ साथ कैसे हैं, ग्रीन है। अगर हम यहीं पर एक दूसरा पॉइंट अगर देखें तो जो स्पोरोफाइट है ये क्या होता है, लार्ज होता है, और जो आपका गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट इसके साथ क्या है, ये स्मॉल होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट लार्ज है, ये लॉन्ग लिव्ड भी होता है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट क्या है, ये बेटा यहाँ से आपको लार्ज दिखेगा, लार्ज दिखने के साथ साथ ये क्या है, लॉन्ग लिव्ड है, और लॉन्ग लिव्ड होने के साथ साथ मैंने आपको बताया भी क्या है, फ्री लिविंग है। यहाँ पे ये क्या है, फ्री लिविंग है। इसी तरह से अगर हम बात करें गैमेटोफाइट की, और उस गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रोथैलस, ये क्या होता है, स्मॉल, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनकंसिपियस। उसके बाद ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, ये क्या होता है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेसिक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो बात हुई किसकी, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल की। क्विकली हम मूव कर लेते हैं हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल की तरफ, तो उसके लिए हम इसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल, हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, सिला जेनेला का ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट चूँकि प्लांट बॉडी है, कैसी है, डिप्लॉयड है। ये क्या है, यहाँ पे लीव्स का एग्रीगेशन है, ग्रुप है, जिसको आप कोन कहते हो, इसी को आप स्ट्रोबिलस भी कहते हो। इस कोन के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी के पास दूसरी होगी मेगा स्पोरेंजिया। मैंने आपको पहले भी डायग्राम के माध्यम से बताया है, दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में बेटा क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन, एंड आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, एंड दीज माइक्रोस्पोर विल बी ऑफ सेम साइज, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, और आगे चल के क्या बनाएंगे, प्रोथैलस, क्या बनाते हैं, प्रोथैलस, और इसी प्रोथैलस जो कि क्या है, हैप्लॉयड है, आप इसको क्या बोलते हो, गैमेटोफाइट बोलते हो, क्या बोलते हो, गैमेटोफाइट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्मॉल साइज का है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, अब इधर आओ, मेगा स्पोरेंजिया, इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या बनेंगे, मेगा स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉयड है। यहाँ से आपने देखा था माइक्रोस्पोर आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन, आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन वर फॉर्मिंग प्रोथैलस, एंड हियर मेगा स्पोर आफ्टर माइटोसिस दे विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, दे विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या बनाने वाले हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और इधर जो बना था ये क्या था, मेल गैमेटोफाइट, यानी प्रोथैलस सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मेल गैमेटोफाइट को, जो किससे बना हुआ था, माइक्रोस्पोर से, मेगास्पोर से कौन बना, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपको मालूम है कि ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल गैमेट, कौन बनाएगा ये, किसको बनाएगा, मेल गैमेट को बनाएगा। इधर कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास कौन है, फीमेल गैमेट है, कौन है, फीमेल गैमेट। सो नाउ दिस मेल गैमेट विल स्विम इन द वॉटर एंड विल रीच टू द फीमेल गैमेट, और इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने और आपने मिलकर क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इसके बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अब ये जो आपका जायगोट है ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, माइटोसिस,
और माइटोसिस करने के बाद ये क्या बना लेगा, फिर से स्पोरोफाइट बना लेगा। ध्यान ये देना है ये जो आपका कौन है, मेल गैमिट है जो कि बनाया गया मेल गैमिटोफाइट के द्वारा, फीमेल गैमिट है बनाया गया फीमेल गैमिटोफाइट के द्वारा। इस पॉइंट पे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक यूनिक पॉइंट बताना है, दैट इज व्हाट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बियर्स फीमेल गैमिटोफाइट, यानी जो स्पोरोफाइट होता है ये बियर करता है किसको, फीमेल गैमिटोफाइट को। मान के चलते हैं अगर आपका ये कोई स्पोरोफाइट था तो इस स्पोरोफाइट के पास कौन होगा, फीमेल गैमिटोफाइट, और उस फीमेल गैमिटोफाइट को कौन बियर करेगा, उस फीमेल गैमिटोफाइट को कौन बियर करेगा, स्पोरोफाइट। तो अभी तक आप देखते थे कि गैमिटोफाइट जो था फ्री लिविंग था, लेकिन वो गैमिटोफाइट कहाँ, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के केस में डिपेंडेंट हो जा रहा है किस पे, स्पोरोफाइट पे। तो ये एक जनरल आउटलाइन था किसका, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनकी लाइफ साइकिल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताना पड़ा है। इसके बाद हम मूव करेंगे इनके एडवांटेज की तरफ। तो अगर हम इनका एडवांटेज देखें, क्या क्या एडवांटेज है यहीं से देख लेते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ये जो हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल आपको दिख रही है इसका क्या एडवांटेज है, पहला, ओके, सो व्हाट वाज द एडवांटेज, यहाँ से आप देख सकते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको रिटेन किया गया है कहाँ, स्पोरोफाइट पे। मतलब हम कह सकते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है, कौन, फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ से आप जो फीमेल गैमेटोफाइट देख रहे हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट पे। वही मैंने लिखा कि जो हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल है, यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये रिटेन हो जाता है स्पोरोफाइट पे, जिसको आप कौन कहते हो, सीड बनाने के लिए। और जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड द स्पोरेंजिया होता है। हमको लगता है कि अभी ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, जो मैंने बताया कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर लिया जाता है स्पोरोफाइट में, और ये सीड फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, और फर्टिलाइजेशन स्पोरेंजिया में हो जाता है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। इधर देखिए, ये आपको मान के चलते कोई प्लांट बॉडी है, ये आपकी वही कॉर्न स्पोरोफिल, और इसके पास एक लार्ज क्या है, स्पोरेंजिया। तो दिस वन इज लार्ज स्पोरेंजिया। अब ये लार्ज स्पोरेंजिया है तो बड़ा सा स्पोर भी बनाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, मेगा स्पोर। और इसी के अंदर किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर लिया जाता है। इसी के अंदर कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट, कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट। कहने का मतलब अगर हम अगले स्टेज में देखें तो ये प्लांट बॉडी, ये हमारी स्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरेंजिया, और इसी के अंदर अब क्या हो गया, चूंकि फीमेल गैमेटोफाइट इसी के अंदर रिटेन कर लिया गया था, तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, इसी स्पोरेंजिया के अंदर बन गया। और अब ये स्पोरेंजिया आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर सकती है, सीड का फॉर्मेशन कर सकती है, क्योंकि जायगोट आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो एक्चुअली सीड और एम्ब्रियो क्या होता है, आपको मालूम होगा कि सीड जो है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड एंड प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके पास सीड कोट होता है, सीड कोट के साथ साथ इसके अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो होता है, और इस एम्ब्रियो के पास नया प्लांट को फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। तो सीड हैबिट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब जो आपकी ये मेगा स्पोरेंजिया है, आगे चल के सीड का फॉर्मेशन कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जायगोट है। बेसिकली ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाने का प्रयास किया नहीं है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको स्पोरोफाइट क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। और रिटेन क्यों करता है, क्योंकि आगे चल के वो क्या बना सके, सीड बना सके। इसी वजह से जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर ऑफ सीड क्यों कहते हैं, वो हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है सीड हैबिट, जो कि हमको देखने को मिलती है कहाँ, हमको देखने को मिलेगी इन टेरिडोफाइट्स में। ओके देन स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सीड हैबिट।
तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। व्हाई दिस इज नोन एज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट? बिकॉज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड स्टार्टेड बट नॉट कम्प्लीटेड। स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो कम्प्लीट नहीं हुआ। और ये जो सीड हैबिट दिखती है, सीड आपको जनरली पहले ये जान लीजिए क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है। सीड्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनके पास सीड कोट होता है, सीड कोट जो कि बाहर की लेयर होती है, एम्ब्रियो होता है जो आगे चल के नया प्लांट बनाएगा, और कॉटिलिडन होते हैं जिनके पास न्यूट्रिएंट स्टोर होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, ये सो रहा होता है, और इसको खाना कौन? कॉटिलिडन दे रहा होता है। जब सीड को हम सोन करते हैं फील्ड में तो मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करने के बाद इस एम्ब्रियो को जगाया जाता है और ये आगे चल के नया प्लांट बनाता है। तो जो सीड का फॉर्मेशन है इसके लिए बेटा चार बेसिक स्टेप होते हैं, ठीक है। सीड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला, हेटरोस्पोरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेटरोस्पोरस होना चाहिए। और यहाँ पे जो लार्ज यानी लार्ज स्पोर है, जिसको आप मेगा स्पोर कह सकते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट को बनाए। तो पहली कंडीशन, स्पोर बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होने के साथ साथ यही आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट को बनाए, और वो प्लांट कैसा होना चाहिए? हेटरोस्पोरस। दूसरा, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन किया जाए किसके द्वारा? स्पोरोफाइट के द्वारा। यानी स्पोरोफाइट के अंदर कौन हो? फीमेल गैमेटोफाइट हो। तीसरी जो कंडीशन है वो आपके लिए यहाँ से क्या है, हार्ड इंटेगुमेंट होना चाहिए। हार्ड इंटेगुमेंट होना चाहिए। इंटेगुमेंट क्या होता है? ये बेटा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और ये आगे चल के क्या बनाता है? सीड कोट। तो हार्ड इंटेगुमेंट जो आगे चल के सीड कोट बनाए वो भी होना चाहिए। एक लास्ट में जायगोट को चेंज होना चाहिए, किसमें? इम्ब्रियो में। और ये इम्ब्रियो किस स्टेज को दिखा रहा हो? रेस्टिंग स्टेज को दिखा रहा हो। तो ये चार कंडीशन होनी चाहिए। अब इन चारों कंडीशन में से कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 इज़ प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स, और ये दो नहीं है। तो थोड़े से लक्षण हैं, थोड़ा सा नहीं है। तो कहने का मतलब, बुखार अगर आपका 100 डिग्री हो या 104 डिग्री हो, पैरासीटामोल ही खानी है। तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन यानी सीड हैबिट तो स्टार्ट हुई, मतलब इनकी आदत तो खराब हो चुकी है। पहले ये क्या किए, पहले बेटा लोग क्या करते हैं, इलायची खाना शुरू करते हैं, उसके बाद मीठी सुपारी खाना शुरू करते हैं, फिर पान मसाला खाना शुरू करते हैं। तो उन्होंने मीठी सुपारी और इलायची खा लिया, अब आगे चल के ये क्या करेंगे, गुटखा ही खाएंगे, ठीक। तो सीड हैबिट आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी जब हम इवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। अगला हम देख लेते हैं इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो पहला ये करते हैं प्रिवेंट सॉयल इरोजन। प्रिवेंट सॉयल इरोजन यानी ये सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये एक मैट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम यूज करते हैं, यूज्ड एज वेजिटेबल, इसको हम सब्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, जिसका एग्जांपल है एजोला, ठीक है, या हम ले सकते हैं एनाबीना। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो कि क्या करते हैं, सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। चौथा इनका बेटा ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। ऑर्नामेंटल वैल्यू मतलब ये सजावट के रूप में भी इनको हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में अगर हम देखें इनका जो क्लासिफिकेशन है, मतलब इनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो क्लासेस अगर हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेंगी कौन कौन सी। पहला, लाइकोप्सिडा, और इस लाइकोप्सिडा में आपको देखने को मिलेगा लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम के साथ आप देखेंगे सिलाजिनेला, ठीक है बेटा। तो लाइकोप्सिडा हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इस फेनोप्सिडा में आप देखेंगे इक्विसिटम,
इक्विसिटम, इक्विसिटम इज नोन एज हॉर्स टेल, लाइकोपोडियम इज नोन एज क्लब मास, सिलाजिनेला इज नोन एज स्मॉल क्लब मास। अगला होता है बेटा टेरोप्सिडा, पटेरोप, इसको हम लिखते हैं पटेरोप, टेरोप्सिडा। यहाँ पे आप देखेंगे किसको, टेरिस को, और इसी का बड़ा भाई है कौन, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। लास्ट में एक और है साइलोप्सिडा, कौन है बेटा, साइलोप्सिडा, और इस साइलोप्सिडा में एग्जांपल आप देखेंगे किसका, साइलोटम का। ठीक है, तो ये चार क्लासेस और ये इनके जीनस, यानी लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम को क्लब मास, सेलाजिनेला को स्मॉल क्लब मास, इस फेनोप्सिडा में इक्वेसिटम जिसको हॉर्स टेल कहते हैं, और आपके टेरोप्सिडा में टेरिस और ड्राप टेरिस, और साइलोप्सिडा में आपको साइलोटम देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म। And in the last, if you are able to understand your concept, don't forget to like the video, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. Like always, keep smiling, have a nice day.